नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। श्री राम मंदिर के राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के स्थान पर एक अनोखा घंटा भेंट किया जाएगा, जिसकी आवाज 10 किलोमीटर तक सुनाई देगी। उस घंटे के एक बार बजने पर ओम की आवाज निकलेगी। तमिलनाडु रामेश्वरम से 613 किलोग्राम वजनी कांस्य से बना यह विशेष घंटा राम रथ यात्रा के रूप में 4500 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 10 राज्यों को पार करते हुए अयोध्या पहुंचा है। भगवान श्री राम को यह विशेष घंटा तमिलनाडु की लीगल राइट काउंसिल की ओर से भेंट किया जाएगा। खास बात यह है कि यह घंटा राम रथ पर रखकर एक महिला उस रथनुमा ट्रक को 4500 किलोमीटर खुद चलाकर अयोध्या लेकर आई है। ये महिला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी बुलेट रानी के नाम से प्रसिद्ध राजलक्ष्मी मांडा है। तमिलनाडु की रहने वाली राजलक्ष्मी मांडा विश्व में दूसरी महिला हैं जिन्होंने 9.5 टन वजन खींचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये महिला राम रथ को लेकर अयोध्या पहुंची है। इस राम रथ में जहां एक ओर कांस्य से बना 613 किलोग्राम वजनी विशेष घंटा रखा गया है, तो वहीं भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी के साथ गणपति भगवान की मूर्ति भी कांस्य से बनी हुई रखी है, जिसे आज सुबह रामलला को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय में भेंट किया जाएगा। राम रथ यात्रा 17 सितंबर से चलकर 7 अक्टूबर यानी कि 21 दिन में अयोध्या की यात्रा पूरी की है। ये तमिलनाडु से अयोध्या के बीच 10 राज्यों को पार करते हुए जगह जगह इस घंटे का और रखी हुई प्रतिमाओं का मूर्ति पूजन किया गया, फिर इसको लेकर अयोध्या लाया गया है। राम रथ यात्रा में कुल 18 लोग तमिलनाडु से अयोध्या पहुंचे हैं। आपको बताते चलें कि राम लला को भेंट किया जाने वाला ये विशेष घंटा, इसकी ऊंचाई 4 फीट है। भगवान राम को भेंट किया जाने वाला ये विशेष घंटा को लाने वाली महिला राजलक्ष्मी मांडा का कहना है कि आज उनका जीवन धन्य हो गया। वो भगवान श्री राम के रथ को तमिलनाडु से लेकर अयोध्या तक खुद ड्राइव कर लेकर आई हैं। उनको बहुत खुशी है कि कल वह रामलला के दरबार में इस विशेष घंटा और मूर्तियों को रामलला को भेंट कर पाएंगी। मेरा नाम राजलक्ष्मी मंदा है। 17 सितंबर को मैंने रामेश्वरम में इस यात्रा का शुरुआत की। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन को मार्क करते हुए और 17 सितंबर से 21 दिन का मेरा यात्रा थी। आज अयोध्या मैंने पहुंची हूं। कल अयोध्या में इसका समापन है और 500 साल के बाद, संघर्ष के बाद जो राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ है और राम मंदिर बनाया जा रहा है, पूरा विश्व के 966 मिलियन हिंदुओं के लिए ये गर्व की बात है, शान की बात है। और मेरा लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया की ओर से हम सब लोग, पूरा इंडिया के जो लोग मिलके हमने सोचा है कि इस राम मंदिर के लिए हमारे तरफ से कुछ ना कुछ हमको देना है घर में, इसलिए हमने 613 केजी का ब्रॉन्ज का घंटा बना के, इसका जो हाइट है 4.1 फीट और चौड़ाई है 3.9 फीट चौड़ाई का घंटा बना के, इसके साथ राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी और गणेश भगवान की मूर्तियों को रखते हुए 20 दिन लगातार हर पुण्य क्षेत्र में इसका पूजन पाठन कराते हुए 4555 किलोमीटर मैं खुद इस रथ को ड्राइव करते हुए अयोध्या पहुंची हूँ। मैम, कौन कौन से स्टेट में गई आप होते हुए आई, कौन कौन से आपको जिले ऐसे मिले जहाँ पे इसके पूजन हुआ? हमने 17 तारीख को रामेश्वरम तमिलनाडु में शुरू किया, उसके बाद पांडिचेरी, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली होते हुए अभी यूपी में अयोध्या में हमने पहुंचे हैं। कितनी खुशी है कि भगवान श्री राम का मंदिर अब बनने जा रहा है। और इसी खुशी को मेरा ओर से, मेरा इस निष्ठा को मैंने जो दिखाना चाहिए, तो मैंने सोची कि कठिन से कठिन काम करना है, क्योंकि भगवान सबके लिए बड़ा होता है और भगवान को हम ऐसा काम करके दिखाना है कि कोई नहीं कर सके। इसी उद्देश्य से मैंने संकल्प बनाया और इस गाड़ी को मैं चलाते आया और मेरा जन्म में सबसे धन्य मैंने समझ रही हूँ। आज मुझे को मेरा मैं धन्य समझ रही हूँ कि मेरी रथ में भगवान की मूर्ति राम को खुद बिठा के मैंने 4500 किलोमीटर चला के आया हूँ और जीवन में इसकी से बड़ी कोई चीज मेरे लिए नहीं है और इसकी से बड़ी कोई सक्सेस मेरे लिए नहीं है। मैं कौन सा फाउंडेशन है जिसके तहत आप यहाँ पे आएंगे? हमारे लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया है, इसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये हमारा मदन कुमार सार है और इस यात्रा में हमारा
ओडिशा का जो प्रेसिडेंट अरुंधति जी है और मध्य प्रदेश जी का प्रेसिडेंट देवना अरोरा जी है और साउथ इंडिया का इंचार्ज रामचंद्रा रेड्डी जी है और नेशनल सेक्रेटरी कमल जी है। कितने केजी का है ये? 613 केजी का घंटा है। मैडम ये कल किसको आप बेच रहे हैं? कितने लोग हैं टोटल? आम लोग 18 लोग हैं, 18 पीपल। किसको बेच रहे थे? किसको बेच रहे थे कल ये? और कल हम इसको मंदिर में सौंप रहे हैं।